नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हर्षद मेहता, एक ऐसा स्टॉक मार्केट का नाम जिसको शायद सभी जानते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आज के टाइम में हर्षद मेहता होता तो वॉरेन बफे कुछ भी नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन होता हर्षद मेहता। यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग यहां मार्केट के अंदर न्यू है जिन्होंने हो सकता है हर्षद मेहता के बारे में ना सुना। हर्षद मेहता स्टॉक ब्रोकर, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हम क्रिप्टो की करेंसी के अंदर क्या है कि हम एक्सचेंज यूज करते हैं, सेम इसी तरीके से क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जो कि 1992 के अंदर एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था स्टॉक मार्केट के अंदर। एज पर रिपोर्टेड बाई इकोनॉमिक टाइम्स, यहां पर क्या है कि उनको एक स्कैम के अंदर फंसाया गया था। काफी लोगों का मानना है कि वो एक स्कैम नहीं था, सिर्फ उन्होंने बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल को यूज किया। मींस वो क्या करते थे, बैंक से लोन लेते थे और स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते थे, बैंक से सिक्योरिटी के नाम पर लोन लेते थे, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट। अब धीरे धीरे क्या है कि उनका बिजनेस इतना बिजनेस ग्रो होने लगा कि बैंक उनके पास में खुद चलकर आने लगे कि हमसे लोन ले। अब स्टॉक मार्केट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं चलता, या कोई भी मार्केट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं चलता, तो कई बार ऐसा हुआ जहां पर क्या कि वो अपना लोन नहीं चुका पाए। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास उनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग थी, उनका जो कंपनी था वो इतना स्ट्रांग था, उनके अंदर इतने उनकी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर इतने ट्रांजेक्शन थे, कोई भी बैंक उनको डिनाई नहीं करती थी लोन देने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, बैंक ए से की जगह बैंक बी से लोन ले लिया और बैंक ए को वापस कर दिया, फिर बैंक सी से लोन ले लिया, फिर बैंक बी वाला वापस कर दिया। तो इस तरह से क्या है कि उन्होंने यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम का लूप होल था उसको यूज किया। It was the first real big star of the stock market, okay? Because for a year and a half, everybody who followed him made a lot of money, and that creates a lot of loyalty, fan following. He was the first ever broker to feature on the covers of so many magazines. उनका ऑफिस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो इन्होंने यहाँ पर सिस्टम यूज किए हैं ये सारे पुराने जमाने वाले टाइम के सिस्टम हैं। उस टाइम पर इन्होंने क्या कि आईटी को एक बहुत बढ़ावा दिया था, और आईटी के अंदर इन्होंने क्या कि सबसे पहले जो कॉल पोर्ट, ये जो कॉलिंग वाली जो सिग्नल्स वाले काम है, सबसे पहले इंडिया के अंदर इन्हीं के द्वारा एक लार्ज स्केल के ऊपर किए गए थे। सबसे ज़्यादा जिस शेयर के ऊपर ये जिस शेयर का एक नाम भी ले देते थे वो शेयर रातों रात 10 गुना 20 गुना हो जाता था। इस तरह से क्या कि इन्होंने अपने कारोबार को ग्रो किया। ये इनका बेटा है जो अमेरिका के अंदर रहता है, जिसका नाम है आतुर मेहता। तो यहाँ पर क्या कि मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पर मैं बताऊँगा कैसे आप हर्षद मेहता ग्लोबली जाने जाने लगे। वॉरेन बफे ने भी 2014 के अंदर ऐसे बहुत सारे काम किए थे, लेकिन उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर काम किए थे ये सारे। यहाँ पर हर्षद मेहता की कमी ये थी कि इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम किए, और साथ के साथ यहाँ पर क्या है कि जिसका क्या है कि गवर्नमेंट से सिंक नहीं रहता उसके साथ में ऐसी ही चीजें होती। मीन्स वो क्या करते थे, बैंक से लोन लेते थे और स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते थे, बैंक से सिक्योरिटी के नाम पर लोन लेते थे, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट। अब धीरे धीरे क्या है कि उनका बिजनेस इतना बिजनेस ग्रो होने लगा कि बैंक उनके पास में खुद चलकर आने लगे कि हमसे लोन ले। अब स्टॉक मार्केट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं चलता, या कोई भी मार्केट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं चलता, तो कई बार ऐसा हुआ जहां पर क्या कि वो अपना लोन नहीं चुका पाए। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास उनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग थी, उनका जो कंपनी था वो इतना स्ट्रांग था, उनके अंदर इतने उनकी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर इतने ट्रांजेक्शन थे, कोई भी बैंक उनको डिनाई नहीं करती थी लोन देने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, बैंक ए से की जगह बैंक बी से लोन ले लिया और बैंक ए को वापस कर दिया, फिर बैंक सी से लोन ले लिया, फिर बैंक बी वाला वापस कर दिया। तो इस तरह से क्या है कि उन्होंने यहां पर जो बैंकिंग सिस्टम का लूप होल था उसको यूज किया। गारंटी के तौर पर क्या कि उन्हें कुछ चेक दिखाने पड़ते थे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ जो बैंकिंग सिस्टम के लूप होल है, क्योंकि यहां पर मैं कमी मानूंगा बैंकिंग सिस्टम की, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के उन्होंने सिर्फ एक लूप होल को यूज किया है जो कि और भी लोग यूज करते हैं, अंबानी अडानी सब यही यूज करते हैं बैंकिंग सिस्टम के लूप होल।
वॉरेन बफे ने भी यही यूज किया, लेकिन कमी उसकी ये थी कि मुंबई के अंदर वो एक तरह से क्या है कि मतलब एक इंडिया से था, इंडिया के जो पॉलिटिशियन थे उन सभी ने कहीं ना कहीं एक साजिश रची और एक मैं कहूंगा कि वो स्टॉक मार्केट का डायमंड था। हो सकता है कि उसने कुछ चीजें गलत करी हूं, मैं मानता हूं कि गलत हुई है, लेकिन यहां पर क्या कि खाली हर्षद मेहता दोषी नहीं था, यहां पर क्या कि वो बैंकिंग सिस्टम भी थे जिन्होंने बिना वेरिफिकेशन के लोन दे दिया, जिन्होंने बिना वेरिफिकेशन के हर्षद मेहता को पैसा दिया। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जब कोई आदमी एक साथ एक्सपोनेंशियल इतना ग्रो कर जाता है तो कहीं ना कहीं या तो उसकी गाड़ी पलट दी जाती है या कहीं ना कहीं उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हर्षद मेहता के साथ में हुआ। तो यहां पर स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं हुई। 31 दिसंबर 2001 को उनको किल कर दिया गया, यानी कि उनकी डेथ, और उनके ऊपर 27 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए उस समय। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे डायमंड अवेलेबल है। आज अगर वो पर्सन होता तो कहीं ना कहीं वॉरेन बफे उसके सामने कुछ भी नहीं था। 30 ईयर की एज पर उसको पूरे ग्लोबली लोग जानने लग गए। जिस स्टॉक का उसने नाम ले दिया वो स्टॉक 10x 20x 50x गया। धीरे धीरे कारोबार इसका इतना बढ़ गया क्योंकि उसने एक इस लेवल के ऊपर कंपनी स्टेबल कर दी। उसके पास में ऐसी ऐसी गाड़ियां थी जो अच्छे अच्छे आज के टाइम में बॉलीवुड स्टार के ऊपर भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो उसका माइंड था वो इतना एक्टिव था और इतने अच्छी तरीके से चलता था कि उसने अपना बिजनेस विद इन 3 ईयर कहीं ना कहीं वर्ल्ड के टॉप 20 टॉप 30 स्टॉक ब्रोकर्स के अंदर उसने अपना नाम पहुंचा दिया। बुल ऑफ स्टॉक के नाम से उसे लोग जानने लगे। यहां पर हर्षद मेहता का एक बेटा है जिसका नाम है अतुर मेहता। ये पर्सन क्या है कि अमेरिका के अंदर काम करता है और ये भी डिनाई करता है कि वो मेरे फादर थे। मतलब उसका सीधा सा मतलब है कि मेरा कोई रिलेशन नहीं था, क्योंकि लोग उसको स्कैम से ना जोड़े। और आज के टाइम में वो भी यही काम कर, वो भी टेक्सटाइल के लिए काम कर। मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे जेम, बहुत सारे गोल्डन, बहुत सारे डायमंड पर्सन अवेलेबल है जो इस तरह की चीजें उन्होंने मार्केट के अंदर की, लेकिन हमारे बैंकिंग सिस्टम ने, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने, हमारे करप्ट सिस्टम ने उन सभी को या तो यह है कि ऐसी जगह पहुंचा दिया, क्योंकि यही काम ऐसे लोग करें जिनकी डायरेक्टली पॉलिटिशियन से अच्छी लिंक है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन ऐसे पर्सन को, जिस पर्सन के अंदर एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंड हो, सारी चीजें हो, उसको कहीं ना कहीं किल कर दिया। तो हर्षद मेहता स्कैम कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड वाइड, यहां पर अगर आप देखेंगे जिस तरह से अरुण जेटली जी ने, सॉरी राम जेठमलानी जी ने और इन सब ने कह के उनको सपोर्ट किया, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर जो जितने भी स्टॉक मार्केट वाले हैं उन सब का मानना है और कि इस पर्सन को किल किया गया सिर्फ पॉलिटिशियन। आपका क्या मानना है इसके बारे में जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या सोचना है हर्षद मेहता के बारे में। यहाँ पर मैंने अपनी ओपिनियन शेयर की है जो मेरा सोचना है, क्योंकि इनके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में रिसर्च करी, उसके बाद में मैंने ये वीडियो शेयर की है आप सभी के साथ में। आप भी बताएं कि आपका क्या सोचना है इनके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे ये आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।